तरबूज की बेल। तरबूज में इतने सारे बीज भला किसने डाले? इनकी जरूरत क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि बिना बीज के ये ज्यादा गूदेदार होता? बाकी इन बीजों के पीछे भी एक कारण है। बीज नहीं हो तो हम और तरबूज कैसे उगाएंगे? जरा सोचो तो। ये रूल किसने बनाया? मैं इसे नहीं मानता। ओह, आइडिया। मैं एक तरबूज लूंगा और कुछ उन्हें मिला दूंगा किसी चीज के साथ। मैं बोतल में रेस्पबेरीज उगाऊंगा। बोतल हिलाओ और जैम तैयार। ऐसा सेब का पेड़ उगाऊंगा जिसमें सीधे एप्पल पाई उगे और बिना बीज के तरबूज जो हवा में गुब्बारे की तरह उड़े। है ना कमाल की बात? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। पेश है मेरा चमत्कारी आविष्कार, द कम्बाइनोट्रोनोमैटिक इनिटराइजर। हमें चीयर करना चाहिए। ये तो सीधी सी बात है, यहाँ डालेंगे तरबूज और इस तरह कुछ ऐसा जिसमें बीज ना हो। हाँ फ्रेनी, तुम्हारे पास बिना बीज वाली कोई चीज है? मेरे पास शलजम है। एक पक्का ना, तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं है? चलो इसी से काम चला लेंगे। ठीक है, ये गया शलजम अंदर और अब ये बटन दबाओ। चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ। बस हो गया। एक बीज तैयार हो गया। अब इसे बोएंगे, पानी देंगे और देखेंगे। बाकी एक पौधा उगने में काफी वक्त लगता है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मैं यहीं बैठूंगा और इंतजार करूंगा। हिलूंगा नहीं जब तक तरबूज नहीं देख लेता। बहुत हो गया इंतजार, ये मेरे देखे बिना भी उग सकता है। चलो दोस्तों बॉल खेलें। ख्याल अच्छा है। और इस बार तुम बकी की टीम में होगी फ्रेनी। पास करो, यहाँ काफी जगह है। वेल, मुझे लगता है मुझे पेनल्टी किक मिली। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अपने गोल को बचाओ। तुम दोनों हारना चाहते हो क्या? ये चीज क्या है? बाकी मुझे तो लगा तुम बिना बीज का तरबूज उगाओगे। सच कहूँ तो मैंने सोचा कि शलजम उगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ऐसे देखो तो मैं पाई बना सकती हूँ, एक बहुत बड़ी पाई। मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। क्या बात है बकी। रुको फ्रेनी, ये मैं करता हूँ। इतनी बड़ी शलजम को अच्छी खेती की जरूरत है और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है जो है पांपू का 5वें लेवल का चैंपियन। मैं इस जगह से वाकिफ हूँ। हो गया। ओके, अब हम लोगों को इसे मिलकर निकालना होगा। बढ़िया। क्या अब हमें सब्जी चुम्बक का इस्तेमाल करना होगा? ऐसी कोई चीज नहीं होती, सोच कर बोलो। देखो और सीखो कि शलजम विशाल तभी आएगा बाहर जब शलजम खोदो रॉकेट दिखाएगा चमत्कार। विज्ञान पर भरोसा रखो, इसे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखो ये रॉकेट क्या कर सकता है। अपने फांफू को भूल जाओ बियॉन्ड। उल्टी गिनती शुरू करो, 5, 4, 3, 2, 1। नहीं, गुड बाय साइंस। गुड बाय मेरे दोस्त, तुम्हारे खोदने की वजह से मेरा शलजम गड्ढे में है। और ये बेकार की फालतू चीज यहाँ बनाई किसने थी? लेकिन मैंने ये सबके लिए बोया था। सच में? एक, दो, तीन, तीन। आके मेरी मदद करो। शलजम बाहर निकलो। चलो मिलके करें। खींचना शुरू करो, हमें एक साथ काम करना है। अरे वाह। क्या बात है, मैंने आज तक इतना बड़ा शलजम नहीं देखा। हाँ क्या बात है, अब तुम अपनी पाई बना सकती हो। दिल थाम के बैठो दोस्तों, शेफ रेनी द फॉक्स पेश कर रही है विशाल शलजम पाई। फिर से शलजम पाई बनाई है? मैं इसे नहीं खा सकता। पता है कुछ पांडास को खाने को नहीं मिलता तो खा लो, ये बहुत अच्छा है, खा भी लो। हम पिछले एक महीने से शलजम पाई ही खा रहे हैं। वाह बकी, सर वो तो देखो। हाँ वो क्या है? हाँ, मेरे उड़ने वाले तरबूज आखिर पक ही गए, लेकिन पता नहीं उन्हें नीचे कैसे उतारेंगे।
ए कॉस्मिक कॉस्ट्यूम पार्टी। नए साल की पार्टी में मैं प्रिंसेस बनूंगी। वैसे बियॉन, क्या तुमने पार्टी के लिए अपना कॉस्ट्यूम डिसाइड कर लिया? मैं बनूंगा खतरनाक डाकू, और मुझे पता है कि बकी हमेशा की तरह अपने वही पुराने एलियन के कपड़े पहनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पहनूंगा नया शानदार एलियन कॉस्ट्यूम। अगर तुम कहते हो तो ठीक है, ये सबसे शानदार कॉस्ट्यूम होगा। मैं अभी आता हूँ। चिकी, मैं अपने पुराने कॉस्ट्यूम को पहले से अच्छा बनाने जा रहा हूँ। पता नहीं दूसरी दुनिया में नया साल मनाते होंगे या फिर नहीं। बिल्कुल मनाते हैं, नया साल सब जगह मनाया जाता है, दूसरे ग्रहों पर भी। ए, तुमने वो देखा? हाँ, क्या देखा? रहने दो। मेरा कॉस्ट्यूम सबसे अलग होगा, पर कैसे? ये बिल्कुल नहीं, ये क्या चीज है? बेकार। वो ये हुई ना बात, क्या बात है, मजा आ गया। बस हो गया। तुम कहाँ पर थे बकी? तुम्हारा वो शानदार कॉस्ट्यूम कहाँ पर है? इसके साथ आ रहा हूँ, मेरे बिना शुरू मत करना। अब लाइट ऑन करो बियॉन। स्क्रीप डबल स्क्रीप कैसे बनाया? तुम तो बिल्कुल असली एलियन लग रहे हो। सुनो, मैं क्या कहती हूँ, पार्टी शुरू करें। एलियन की बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो, पता है? पृथ्वी के लोगों, मैं यहाँ आया हूँ शांति का संदेश लेकर। पुराने जमाने के लोगों, वो मुझे तो लगा कि ये बिल्कुल असली एलियन है। वो तो मैं हूँ, बहुत स्टाइलिश है ना? तुम्हारे सामने है असली आसमान से उतरा हुआ एलियन। आपका स्वागत है एलियन जी, अच्छा हुआ आप हमसे मिलने यहाँ पृथ्वी पर आए। तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई। ये कौन है? मुझे, वो तो मेरा है। दो बकी? नहीं, बकी सिर्फ एक होना चाहिए, वो हूँ मैं। अगर तुम बकी हो तो फिर ये कौन है, बताओ? मुझे क्या पता। हेलो, मेरा नाम फ्रेनी है, आपका नाम क्या है एलियन जी? क्योंकि ड्रोन शुरू होता है। हेलो पृथ्वी वासियों, मैं यहाँ आया हूँ द्विबस ग्रह से, और मेरी स्पेसशिप खराब हो गई है, मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वापस अपने ग्रह पर जाना है। एक टूटी हुई स्पेसशिप? डरो मत, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ, तुम जल्दी अपने ग्रह पर वापस जा पाओगे। टूटी हुई स्पेसशिप, मुझे पता है क्या करना है, ये मेरे दाएं हाथ का काम है। ऐसा कुछ टूटा नहीं जो मेरे हाथ से जुड़ा नहीं, माने सारी दुनिया मेरे जैसा जीनियस हुआ नहीं। तुमने सही कहा दोस्त, और ये बस हो गया, तुम्हारी स्पेशल तैयार है। शुक्रिया मेरे दोस्त, लेकिन मेरा एक्सेलरेटर अभी गायब है, क्या यही है? हाँ यही है, तुमने कर दिखाया। थैंक यू बकी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा जाना सच में जरूरी है? हाँ जाना पड़ेगा, नए साल पर मुझे अपने घर पर होना चाहिए। बकी, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। थैंक यू मेरे अंतरिक्ष के प्यारे दोस्त, वैसे गैलेक्सी वगैरह के बीच से संभल के जाना। आओ क्यों ना तुम्हें अपने स्पेसशिप में सैर कराऊं। स्पेसशिप? दोस्तों हम असली स्पेसशिप में हैं, हम चमक रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अलविदा मेरे पृथ्वी के दोस्तों, मिलने जरूर आना। हे, नया साल मुबारक हो। इस साल मैं पृथ्वी के पति की तरह तैयार होने वाला हूँ, और मैं फिर से जबरदस्त एलियन बनने वाला हूँ। और इस बार मैं भी, मैं सोच रही हूँ दूसरे ग्रहों पर नए साल की पार्टी कैसे मनाती होंगी भला। प्रॉपर्स पंच पंडी बर्ड वैग गीत फ्रे।
रैनी के लिए। पल बीते जैसे एक साल और हर दिन बनता है खास जब एक दोस्त हो आपके पास, जैसे कि बियॉन एंड बकी। बियॉन और बकी हमेशा के लिए। वाह दोस्तों, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे पास खुद का गाना है। तुम भी हमारे साथ गा सकती हो, कौन तुम्हें रोक रहा है? नहीं, ये तुम्हारे बारे में है तुम्हारा गाना, रैनी द फॉक्स के बारे में कोई गाना नहीं। रैनी, तो पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास गाना बनाएंगे, एक ऐसा गाना जो अपने आप में इतिहास बन जाएगा। बियॉन, तुम कविता लिखना जानते हो ना? कविता? शायद कुछ कुछ, वैसे मैं अच्छा कवि हूँ। तो शुरू हो जाओ। लिलियम जेक्स बेर। जैसे आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही मैं हूँ लाल। नहीं, बहुत सादा सा है, मजेदार नहीं है। वैसे मुझे तो अच्छा लगा। मेरे पास इससे अच्छी तरकीब है। चल बेटा, बन जा कवि। हम दो चार में से एक है ये, जो है रिश्ता 33 का 15 से, जो कहा 8 ने 9 से, वो कहूँगा 5 तरीकों से। ये किस तरह की कविता है? ये बिल्कुल नए जमाने का है और फ्रेनी के लिए अच्छा रहेगा। क्या सचमुच? इसको हम धुन में नहीं गा सकते, ये तो बिल्कुल बकवास है, लेकिन मेरी कविता को गा सकते हैं। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही ये है लाल। मेरी कविता को भी धुन में गा सकते हैं, बस तुम देखते जाओ। हम दो चार में से एक है ये, जो रिश्ता है 33 का 15 से, जो कहा 8 ने 9 से, वैसे मैं कहूँगा 5 तरीके से। ये थोड़ा अलग है, मुझे तो ये दोनों ही अच्छे लगे। क्या मैं इन दोनों को गा सकती हूँ? अभी इतनी जल्दी नहीं फ्रेनी, डांस करना मत भूलना, हर अच्छे गाने में डांस होता है। बाकी क्या तुम ये कर सकते हो? क्या ये? हाँ क्यों नहीं। फ्रेनी, बहुत ध्यान से देखना अपने गाने और डांस को। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को करे प्यार उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही ये है लाल। मेरी बारी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम दो चार में से एक है ये, जो रिश्ता है 33 का 15 से, जो कहा 8 ने 9 से, कहूँगा 5 तरीके से। देखो देखो मेरा जोश, उड़ाते सबके होश, बैल की ऐसी चाल, सब कहे कमाल। ये क्या बात है, मैं भी कर सकती हूँ। जरा रुको, अभी भी कुछ बाकी है। तुम कहना क्या चाहते हो बकी? हमारे पास गाना है और एक डांस भी, हम स्टेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बस स्टेज की ही कमी है। पता है फ्रेनी, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेज बनाऊंगा। अगर तुम गाना चाहती हो सदी का महान गाना, और चाहती हो सारी दुनिया पर छा जाना, चाहती हो तुम नाचना कि रह जाए सब दंग, तो मैं बनाऊंगा सबसे सुंदर रंगमंच। और जब ये सब होगा हमारे पास, तो हो जाएंगे हम शो के लिए बिल्कुल तैयार। देवियों और बेर सजनों, बैठो देवधाम के, आ रही है फॉक्स राहत के। देखो ये आया चांद जमीन पर। पता है तुम्हारा ये आइडिया कमाल का है। शुक्रिया, चलो अब थोड़ी बर्फ गिराते हैं। अब माइक लगाएंगे, वो लग रही है एकदम स्टार। अब शुरू करो। आसमान में बादल है जितना, इस बॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमकी सूरज के गाल, वैसे मैं हूँ लाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा दोस्तों? वैसे मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। सच बताऊं तो तुम्हें रिहर्सल की जरूरत है। हाँ, रिहर्सल तो तुम्हें बहुत करनी पड़ेगी, कोशिश अच्छी थी। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, वैसे अब ठीक लगा? पता है, रिहर्सल करती रहो, इससे तुम अच्छा कर पाओगी। आसमान में बादल है जितना। पता है तुम्हें, ज्यादा रिहर्सल करने से गला खराब हो सकता है। पर अभी भी मैं कर सकती हूँ। नहीं, तुम्हें अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे जोर से गाना चाहिए। नहीं नहीं, हम कल रिहर्सल करेंगे, पहले मैं अपने कानों के लिए रुई खरीद लूँ। पिन
बुलाया मेहमान। अच्छा तो ये आज टीवी का दिन है। ये हमारा सीरियल शुरू होने वाला है। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कार्टून है, मुझे बहुत पसंद है। अरे ये क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? एंटीना हिला होगा। घबराओ मत, बकी है यहाँ पर। ठीक हुआ क्या? ओह कितनी प्यारी चिड़िया है। क्या ये प्यारी चिड़िया है? सब गड़बड़ कर दी इसने। ओह एक मिनट, मुझे पता है क्या करना है। और ये, घबराओ मत छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। प्लीज नीचे आ जाओ, घबराओ मत। ये मेरा सर है, ठीक है। आओ। बाकी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझसे पूछा या फिर चिड़िया से? ओ, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना? देखो कैसे चढ़ गई। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं लगी। मुझे लगता है कि ये छोटी चिड़िया तुम्हारे एंटीने को पेड़ समझ रही है। इसे मैं देखता हूँ। इधर आओ तुम, जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं खेलने के लिए। मेरे साथ आओ, तुम्हें मैं यहाँ के सबसे अच्छे पेड़ पर छोड़ दूंगा। तुम यहाँ खूब मस्ती कर सकती हो, आराम से रह सकती हो। हाँ ये तुम्हारा घर है, खुले आसमान के नीचे। ची ची करो चिड़िया, और जो खाना है खाओ। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम्हें मेरी कविता पसंद नहीं आई? ये तो वापस आ गई। इसे तुम्हारा एंटीना पसंद है। एक तरीका है, इसके लिए छोटा घर बनाते हैं, सही है ना? मैं तुम्हारे लिए एक हाईटेक घर बनाऊंगा, जो ठंडा भी होगा और गर्म भी। हाँ एक मिनट, इस नन्ही चिड़िया को तुम्हारे हाईटेक घर की जरूरत नहीं है। इसे चाहिए किसी पेड़ पर लगा छोटा सा घोंसला, बस। नहीं, हाईटेक घर। छोटा सा घोंसला, हाईटेक नहीं। तुम लोग उस बेचारी चिड़िया को डरा रहे हो। इसे मेरा बनाया घर पसंद आएगा। इसे चाहिए छोटा घोंसला, हाईटेक घर, घोंसला। और ये तैयार हो गया, अच्छा लग रहा है। ये देखो प्यारी चिड़िया, कितना प्यारा घोंसला है तुम्हारा, प्यारा सा घोंसला। ये है तुम्हारा नया घर, जिसमें सब है, लिफ्ट, बड़ा सा पंखा, छज्जा, टीवी, चार रूम, छोटा सा पूल। इसे कहते हैं हाईटेक घर। घोंसला, जहाँ तुम्हें ताजे फल खाने को मिलेंगे। इसमें फ्रिज भी है। ये एकदम नेचुरल है। बड़ा सा टीवी है और स्टीरियो है। खुले आसमान के नीचे बड़ी सी खिड़की। इस पेड़ की तरह मजबूत और टिकाऊ। और ये कभी नहीं टूटेगा। ये है हाईटेक हाउस। हाँ। मुझे लगता है दोस्तों, इसे एंटीना पर ही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर तुम्हें एंटीना ही पसंद है तो जाओ रहो इसी के अंदर, ठीक है? चिड़िया बिना। ये। जल्दी करो बकी, अगला एपिसोड शुरू हो रहा है। अच्छी बात है, अब हम टीवी देखेंगे आखिरकार। मुझे टीवी देखने दो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिकी, अब ये क्या है? बहुत बढ़िया, इन्होंने मेरी छत को खेल का मैदान बना दिया। चलो बढ़िया है, मस्ती करो। ओके, कोई तो दोस्त मिल गया तुम लोगों को। ठीक है। तो बाकी इसका मतलब है अब तुम्हें एक और एंटीना बनाना होगा। अगर उसमें कोई गिलहरी आ गई तो, या फिर खरगोश।
फ्रेनी का बेस्ट फ्रेंड। सर्दियों का सूरज है सजा, अब आएगा मजा। मैं बना रही हूँ एक बर्फीला दोस्त और ये बन गया। बसंत आने वाला है। अंतरिक्ष क्लोन हमला कर रहे हैं, बचने के लिए भागो। मैं भी खेल सकती हूँ। ये लो, तुम स्पेस क्लैम के लिए काम करते हो। ये दोस्तों, क्या मैं खेल सकती हूँ? हाँ, तुम रिजर्व में रह सकती हो फ्रेनी। जब तक हम ना बुलाएं तब तक मत आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योद्धा बियॉर्न, तैयार हो जाओ हारने के लिए। ये बहादुरी और जीत की बहुत अच्छी कहानी है। कहानी स्पेस क्लैम बर्फीले किले की लड़ाई की। स्नोबॉल तेजी से बढ़ रही है, पता नहीं कौन जीतेगा। स्नोबॉल ने इतनी तेजी से उड़ान भरी, पता नहीं चला कि कौन आगे था। हाँ, भयंकर रोमांचक था वो सब, बर्फीली बॉल्स का आक्रमण। आहा, पकड़ लिया। ये देखो, बकी यहाँ नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारी मदद कर रही है। वेल, मैं यहाँ कब से बैठी थी, इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे बुलाओगे। हमारा खेल थोड़ा सा खतरनाक है। बियॉन ठीक कह रहा है, तुम जैसे बच्चों को चोट लग सकती है। तुम्हें कुछ और करना चाहिए। अब ठीक है, मैं अकेला स्पेस क्लैम डबल एजेंट था। क्लैम अटैक। वो लोग कभी मेरे साथ नहीं खेलना चाहते, उन्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता। अगर मेरे पास कोई दोस्त होता तो हम सारा दिन खेलते। वो कभी नहीं सोचता कि मैं अभी छोटी हूँ। हेलो, चलो तुम्हारा नाम रखें। बॉन बॉन, मुझसे दोस्ती करोगे? ये है फ्रेनी और बॉन बॉन, मेरा अकेलापन भागे भागे। देखो क्या होगा आगे आगे, मस्ती कभी ना होगी कम, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है हम। फ्रेनी और बॉन बॉन, बॉन बॉन और फ्रेनी, है थोड़ा सा अजीब, रहे हम हमेशा करीब। सर्दियों का सूरज है सजा, अब आएगा मजा। तुम हो मेरे नंबर वन बेस्ट फ्रेंड, तुम हो नंबर एक। वाह बॉन बॉन, वक्त का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। बहुत ही अच्छे से सोना मेरे बॉन बॉन, अच्छे अच्छे सपने देखना। ऐसे स्क्राफ्टी राफ्टी जा रहा है सक्सेसफुली अपनी पहली यात्रा पर। ये अच्छा टाइम है, क्या मस्त है ये गाड़ी। जरा सुनो मिस्टर बियॉन, हम किसी से टकराने वाले हैं। कोई बात नहीं एडमिरल, बियॉन सब संभाल लेगा। फ्रेनी सुनो, क्या हमारे साथ खेलना चाहती हो? तुम यात्री बन सकती हो। सॉरी, नहीं खेल सकती। बॉन बॉन मेरा इंतजार कर रहा है, मैंने उसके लिए आज गिफ्ट लिया है। कौन, इसने क्या कहा अभी अभी? बॉन बॉन, बॉन बॉन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम अच्छा समय बिताते हैं। अब मुझे जाना है, बाय बाय। ये कुछ रहस्यमय लग रहा है। और जहाँ होता है रहस्य, वहाँ होते हैं हम जैसे पैर जासूस। ये गुड मॉर्निंग बॉन बॉन। बॉन बॉन, तुम्हें क्या हो गया दोस्त? ये ठीक नहीं है, गर्मी ने मेरे दोस्त को पिघला दिया। हेल्प मी, मदद करो। फ्रेनी, कोई बात नहीं, हम यहाँ हैं। पैर जासूस आ गए हैं तुमको बचाने। हमें लगेगा हमने किसी को बचाकर अच्छा काम किया। फ्रेनी, हाथ पकड़ो कस कर। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, वो पिघल कर बह गया। अच्छा दोस्त था? वैसे फ्रेनी, ये बॉन बॉन तुम्हारा दोस्त कैसे बना? बियॉन और बकी, बॉन बॉन को मैंने बर्फ से बनाया था, लेकिन वो पिघल गया। लेकिन वो अगली सर्दियों में मेरे साथ खेलने वापस आएगा, जब मैं उसे बनाऊंगी। चिकी, थैंक यू, तुम मेरे लिए मौसम का पहला फूल लेकर आए। बहुत ही बढ़िया, बसंत ने भले ही तुम्हारे दोस्त को पिघला दिया, पर इसके साथ अच्छी चीजें भी आई। दोस्तों, मैं जंगल में सबसे अच्छी घास वाली जगह जानता हूँ, जहाँ पर फूल ही फूल भरे पड़े हैं। हम बनाएंगे एक बहुत ही खास गुलदस्ता अपने सबसे अच्छे दोस्त प्रेमी के लिए। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, अच्छे पैर होने के साथ साथ मेरे सबसे खास दोस्त हो। वादा करो तुम कभी नहीं पिघलोगे। हम कोशिश करेंगे।
सबसे अच्छी जगह की तलाश। दिमाग की घंटी बजी। अरे हाय बियॉन, कैसे हो? बहुत मजा आने वाला है। ये तो मजेदार है, जबरदस्त। इसे लगाओ, बढ़िया, और ये हो गया। बाकी चलो ना, बाहर चलकर पतंगे पकड़ते हैं। वो ये क्या है? ये है मेरा टेलीपोर्टर, इससे हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ये तो कमाल है। तो बताओ कहाँ जाना है? बाहर पतंगे पकड़ने के लिए। वही पुराने जंगल में जाकर क्या करोगे? क्यों ना हम लोग दुनिया की सबसे मजेदार जगह पर चले। जानते हैं ऐसी कोई जगह? चलो थोड़ी देर में पता चल जाएगी। हे दोस्तों, क्या कर रहे हो? दोस्तों कहाँ चले गए? बियॉन, ये कहाँ पर है? हम उत्तरी ध्रुव में हैं और यहाँ की ये किरणें हैं। वाह, इससे खूबसूरत जगह पे मैं कभी नहीं गया। तो सूरज कब निकलेगा? मुझे ये जगह उजाले में देखनी है। यहाँ सूरज तो निकलता है पर 6 महीने के बाद। यानी यहाँ 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता? ये अच्छी जगह नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। तो ऐसी जगह चलो जहाँ सूरज की तेज रोशनी हो। ये हुई ना बात, मैं ऐसी जगह की ही बात कर रहा था। कितना उजाला है और गर्मी भी। ये है मजेदार जगह। ये तो मैं अपनी पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। वहाँ देखो उड़ जा रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा होगा। आसाम। हाँ बहुत मजा आ गया। बहुत गर्मी है यहाँ पर। बियॉन, पानी है क्या तुम्हारे पास, थोड़ा सा भी? नहीं, रेगिस्तान में भला पानी कहाँ से आएगा? यहाँ पानी नहीं है, ये अच्छी जगह नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी हो। अरे यहाँ तो बहुत पानी है। अरे वो क्या है बियॉन? ये तो मुझे शार्क मछली लग रही है। क्या, मुझे शार्क पसंद नहीं, मुझे नहीं रहना। ऐसी जगह चलो जहाँ सूखा हो। नहीं नहीं, ऐसी जगह चलो जहाँ ज्वालामुखी ना हो। बियॉन, ये क्या है? समुद्री राक्षस। नहीं, ऐसी जगह चलो। ये मुझे दो, हमें किसी ऐसी जगह ले चलो। जल्दी बियॉन, जल्दी बोलो। ऐसी जगह जो हमें पसंद हो। हम आखिर हैं कहाँ? अरे ये दुनिया की सबसे मजेदार जगह होगी। हाँ, और ये तो हमारे जंगल जैसा लग रहा है। नहीं, ये हमारे जंगल जैसा नहीं है, वहाँ तो सब चीजें बहुत आम हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बहुत खूबसूरत है। जरा उस खूबसूरत मैदान को देखो। दोस्तों, हाँ? तुम लोग कहाँ थी? क्या ये फ्रेनी है? ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा इंतजार, तुम दोनों गायब हो गए थे। हम तो पतंगे पकड़ने वाले थे, है ना? फ्रेनी मेरी दोस्त, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई आज। बाकी देखो हम घर आ गए। हाँ मुझे दिख रहा है, मुझे तो लगा था हम लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह पर आ गए हैं। पर हम आ गए हैं, अपने घर से अच्छी जगह कहीं नहीं है। तुम्हें नहीं पता हमारा जंगल सबसे मजेदार है? अरे ये तो बहुत बड़ा है। एक मिनट, ये वाला मेरा है। इधर आओ, इधर आ जाओ बदमाश। तुम्हें पकड़ने के लिए भी मशीन बनाऊंगा, एक खास
मशीन। शहद की चाहत। मैं आ रहा हूँ दोस्तों। बाकी फ्रेनी, मैंने जंगली बेरी से चाय बनाई है, टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बेरीज हैं, जो मैं खुद जंगल से चुन कर लाया था। शुक्रिया पियोन, बहुत टेस्टी है। ये तो कड़वी है, इसमें चीनी नहीं है। नहीं, ये बिना चीनी वाली है, चाय ऐसे ही बनती है। ओह, तो चॉकलेट डाल दे। इसमें चॉकलेट भी नहीं डालते। तो फिर शहद? वो डाल सकते हैं। तुम दोनों को पता है, मैंने कभी भी शहद नहीं खाया, कभी नहीं। क्या, शहद नहीं खाया? तुम्हें शहद खाना चाहिए फ्रेनी मेरी फ्रेंड। आज ही मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मीठा टेस्ट चखाऊंगा। तो चलो शहद लेकर आते हैं, मुझे पता है तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं डंक लगवाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत क्या है, मैं शहद बना लूंगा। जब मधुमक्खी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उनसे बहुत बेहतर बनाऊंगा। शहद बनाना है, शहद। अब मुझे क्या क्या चाहिए? ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ ये चाहिए, नहीं नहीं ये चाहिए, नहीं ये चाहिए, नहीं नहीं ये भी नहीं। ये काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। प्यारी मधुमक्खियों, कैसी हो आप? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा शहद देंगी? बोलिए, ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं कुछ और करता हूँ। तो तुम्हें जानना है कि शहद कैसे बनता है? ये तो बहुत आसान है। वैसे सबको पता है कि शहद फूलों के रस से बनता है, तो फूलों का रस निकालने के लिए ये मशीन है। ये उनके पॉलन को खींच लेगा और उसे पानी की टंकी में चीनी के साथ घोल देगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे चीनी क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शहद मीठा होता है। जल्दी आओ चिकी, पहली बार मशीन से शहद बनने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। प्यारी मधुमक्खियों, थोड़ा सा शहद दे दो। अगर तुम मुझे शहद देती हो तो मैं तुम्हें एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मधुमक्खियां हैं बहुत अच्छी, जो मुझे देने वाली है शहद, प्यारी छोटी। आ, 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 थोड़ा सा ही लूंगा शहद, ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने का नहीं था। ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह चलता है। ईहा। तो शुरू करते हैं। सारे फूल ले लो। याइक्स। बाकी मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। उस लोहे के घोड़े से उतरो और मुझे बचाओ। बाकी मैं बचाता हूँ तुम्हें। अच्छा, पर कब कब बचाओगे मुझे? तो मेरा शहद पसंद आया? हाँ, आया ही होगा। ये तो करेले से भी कड़वा निकला। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं भी शहद नहीं ला पाया, मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। ये तो बुरा हुआ पियोन, मधुमक्खियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। क्या कहा तुमने, अगर मधुमक्खियों के पास जाए बिना काम बन जाए तो? फ्रेनी, तुमने तो क्या बात कही। मैं अभी आता हूँ। बाहर आओ। इस तरह हम मधुमक्खियों से बच सकते हैं। देखो बियॉन, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, थोड़ा ऊपर, और बस हमें इससे शहद निकालना होगा। और इस तरह हमको शहद मिल गया, और अब हम खाएंगे टेस्टी शहद। तुमने सही कहा था, शहद बहुत ही टेस्टी होता है और सेहतमंद भी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझसे भी अच्छा। मैंने जो बनाया था वो शहद तो बिल्कुल बेकार था। <laughs>
प्रकृति की खूबसूरती। सूरज निकलते ही बाहर टहलने और खेलने में आता मजा। पेड़ों को ऐसे किसने लगाया है? कोई इधर कोई उधर, इनके पीछे कोई कैसे जा सकता है? पाखी, हाँ? पेड़ के बच्चे, आया मजा। मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं जैसे चाहूँगा वैसे पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ बाकी। संभाल के। हाँ? क्या? वो पियोन, हे हेलो, क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? हे बाकी, मैं तो बस प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। हाँ, और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे भी दिखाओ, कहाँ है प्रकृति, कहाँ है खूबसूरती, दिखाओ। हाँ, यहाँ है। मुझे तो प्रकृति नहीं दिख रही। वेल बाकी, प्रकृति यहाँ से चली गई, क्योंकि किसी ने उसे डरा दिया। हैं? प्रकृति को देखना चाहिए शांति से, और उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ, अच्छा, तो तुम जंगल को समझाओ। मैं जहाँ भी पैर रखता हूँ कुछ न कुछ टूटता रहता है। मैं पेड़ों से टकराता हूँ, ये सही नहीं है। ओह हे, मैं कोई तरीका निकालूंगा प्रकृति का मजा दूर से लेने के लिए। शोर करूंगा पर तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा। ये नहीं, ये भी नहीं, ये सब भी नहीं। ट्राइपॉड, गुड, इससे मैं प्रकृति को आराम से कहीं से भी देख सकता हूँ। अब बस मुझे प्रकृति को ढूंढना है इसकी जांच के लिए। मिल गई। चिकी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। घबराओ नहीं, भागो मत। रुक जाओ, मैं बस तुम्हारी खूबसूरती देखना चाहता हूँ। कहाँ गए? वो रहे प्रकृति। ओ, हे चिकी 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 चिकी। प्रकृति कहीं छुप गई है, अब मैं क्या करूं? सोचो बकी। हाँ, कोई बात नहीं, पियोन को ये पसंद आएगा, क्योंकि ये मस्त है। वैज्ञानिक और तेज बुद्धि वाले लोग ये कहते हैं कि प्रकृति को शोर से परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? चुप्पी, एक ड्रामा के लिए। जो शोर मचाए बगैर नहीं रह सकता, बताओ वो क्या करे? लेकिन अब बकी के आविष्कार से इस समस्या का हल मिल गया है। अब प्रकृति को देखेंगे इस मशीन से। बोलती बंद है ना, लेकिन तुम्हें प्रकृति को देखना है ना? वो भी बिना शोर के दूर से। तो ये मशीन तुम्हारे काम आएगी, बस उसके लिए इस जूम बटन को दबाओ। जूम, प्रकृति कैद हो गई, और अब आराम से उसकी खूबसूरती को देखो। मन भर जाए तो वापस छोड़ दो। कहाँ भाग रहे हो बदमाश प्रकृति? यहाँ बैठो। ठीक है, अब तो रुको। यानी प्रकृति और खूबसूरत हो जाती है जब मेरा ये तरीका काम आता है। ठीक है? ठीक है बाकी, ये तरीका अच्छा है, पर उत्तर में हमारा प्रकृति को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। तुम मेरे साथ चलकर क्यों नहीं देख लेते? क्या बात है। हेलो उल्लू, माफ करना। हेलो उल्लू, ये तो बहुत खूबसूरत है। नीला हिरन, मैं सोच रहा था वो मेंढक डरा क्यों है। ओह कितने प्यारे अंडे हैं। ओह ये तो गड़बड़ हो गई। ये सब मजेदार है, प्रकृति को ऐसे ही देखना चाहिए। सही समझे, अगर प्रकृति को पता न चले कि तुम उसके बीच में हो, तो तुम ज्यादा चीजें देख पाओगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्रकृति, तुम मजेदार हो।